वैशाली जिले में कोरोना का कहर जारी है। जिले में आम से लेकर खास लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है। ताजा मामला सदर अस्पताल का है, जहां बच्चा वार्ड में तैनात डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं। सूचना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर के साथ काम करने वाले कर्मचारियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिव डॉक्टर लगातार ड्यूटी में थी और बच्चा वार्ड में फिलहाल 11 बच्चे भर्ती हैं, इसलिए बच्चों के भी संक्रमित होने का डर बना हुआ है। तो हमें इस बात का डर है क्योंकि हम उनके साथ इवनिंग ड्यूटी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए हुए थे, कल की बात है। और इसलिए क्योंकि मेरे पास 1 ईयर का बेबी है, अगर हमको होता है तो हमारे बच्चे को हो जाएगा। हाँ, उनको भी हो सकता है क्योंकि हम लोग उनका हम लोग काम करते हैं, ग्लव्स से ही पहन के काम करते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी हम लोग टच कर ही देते हैं बच्चों को। ग्यारह बच्चे हैं। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है डॉक्टर, उसमें डॉक्टर अरविंद सिंह को बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मैंने बात की कि भाई कब ये टेस्ट हुआ, तो सवेरे टेस्ट हुआ था। और डरने की ये बात है कि उन्होंने डॉक्टर ने रात में नाइट ड्यूटी उन्होंने की है और सुबह 8:30 बजे तक वो यहाँ थे, तो अभी पता चल रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस बीच में जितने स्टाफ लोग थे और जितने स्टाफ नाइट ड्यूटी वो डरे हुए हैं, प्लस हम खुद, मेरी ड्यूटी आज 2 बजे से, मैं ड्यूटी में लगातार 2 बजे से हूँ, वो मैं डरा हुआ कि ऐसा क्या हो गया और उनको पॉजिटिव हो गया। तो अब ये दिमाग में डर है कि उन डॉक्टर साहब इसी रूम में थे और रात भर इसी रूम में रहे हैं, तो एक अंदर से एक हो रहा है कि हाँ कुछ ऐसा नहीं हो कि कोरोना पॉजिटिव हम लोग भी हो जाए, प्लस स्टाफ भी हो जाए, ये डर अपना।